अभी भी अपना बाल कटवाओ कभी भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है अगस्त एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 180 देख रहा। तो आज अपना छुट्टी है, फुल आलस लेके मैंने एकदम आराम से 11:30 बजे सो के उठाऊँ, अभी 12 बज चुके हैं। समझ सकते हो 12 बजे ब्लॉग चालू कर रहा हूँ, मतलब कितना आलस दिखाऊंगा। वैसे कल रात को देर तक जगह भी था से टाइम पास, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो अभी चलते हैं अपन, बाल दाढ़ी कटवाएंगे क्योंकि बढ़ गए सारी चीज़ें, सब भालू टाइप हो जाऊंगा अगर आज ना कटवाए तो। कल से लोग ऑफिस में पहचानने से इनकार कर देंगे कि भैया तुम कौन हो, कौन से जंगल के भालू हो। अब देखो ये सारे जरूरी काम इंसान छुट्टी के दिन नहीं करेगा तो कब करेगा। तो अभी चलते हैं, 2 केले खाते हैं, पेट में एनर्जी लाते हैं, मतलब शरीर में एनर्जी लाते हैं, चलते हैं बाल कटवा के आते हैं। क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि इंसान बानर से ही पैदा हुआ है, बानर से? क्योंकि मेरे को लगता है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि मेरे को केले बहुत पसंद है, मतलब केले खाने में अच्छे लगते हैं। एक टाइम था जब मैं बहुत केले खाता था। एक स्टोरी बताता हूँ, हॉस्टल में एक बार शर्त लगी थी 4-5 दोस्तों में और मेरे बीच में। उस टाइम मैं मंगलवार का फास्ट रखता था, तो एक मंगलवार मैंने फास्ट रखा हुआ था सुबह से। बात बात में ऐसे ही सब जोशी आ गए, मैंने बोल दिया मैं 90 मिनट में 70 केले खा लूँगा, मतलब ऐसा डिसाइड हुआ था। और उस पर बैट लगी थी 2000 रुपये की, लगभग 2100 रुपये की। तो एक्चुअली में मैंने 90 मिनट में 70 केले खा लिए थे, लेकिन सारे के सारे पेट में नहीं गए थे। हुआ क्या था कि कंडीशन ये थी कि मैं उल्टी कर सकता हूँ तो मैं खाता था, पेट में भरता था और फिर खाता था, फिर पेट में भरता था, मतलब हर 15 या 12 केले के बाद ऐसी हालत करनी पड़ती थी। और 8-10 बार ऐसा करने के बाद मैं वो बैट जीत गया था और मेरे जेब में आए थे 2100 रुपये। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद ये 70 केले खाने के बाद 90 मिनट में मैं करीबन 1.5-2 साल तक मुझे केलों से नफरत हो गई थी लेकिन अब फिर से वापस इक्का दुक्का चलता है, ज़्यादा नहीं। अभी भी देखता हूँ तो वो ढेर सारे केलों का ढेर याद आता है मेरे को। और ये बैट हमने लगाई थी क्लास टेंथ के टाइम, हॉस्टल में रहता था मैं उस टाइम। और हॉस्टल में जानते ही हो वो जानवर रहते हैं जो बोल सकते हैं, बस हम सब के सब जानवर ही थे। कुछ भी मिले टाइम पास के लिए वो करने, खाना चुरा के खाना है, मैगी बना के खाना है। लगता है घर वालों का फोन आ रहा है, यार ये कंपनी वाले सुबह सुबह भी नहीं छोड़ते, बिजनेस लोन ले लो, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो। कोई बात नहीं, लेना होगा तो ले लेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, केले खाने के बाद हजामत करा के आता हूँ। और ये रहा अपना बिफोर, और जस्ट 2 सेकंड में आफ्टर दिखी जाएगा। एंड दिस इज माई आफ्टर फेस, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताएं, ठीक ठाक काटा है कि नहीं काटा है, या मेरा ही काट दिया। वैसे मेरे को लग रहा है ठीक ही ठाक काटा है, क्योंकि भैया ठीक ही काटते हैं जिनके पास मैं जाता हूँ। बहुत तेज धूप हो रखी है, अब नहाना धोना करना है, विद इन 5 मिनट्स नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं। तो नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी हो गई, और अब बारी है पेट पूजा करने की। जोरों की भूख लगी है, लगभग 1:30 बज गए हैं, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, वैसे भी आज छुट्टी थी तो जल्दी कहीं जाना नहीं, तो आराम आराम से सारे काम हुए। और आलस सुबह आ ही रहा था जैसा मैंने बताया। क्या आपका भी काम कभी कभी लेट होता है, कमेंट करके बताएं। तो ब्रेकफास्ट में आज बना है पोहे, ये फली वाले पोहे मुझे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है चूड़ा मटर जो सर्दियों में बनता है, खा के मज़ा ही आ जाता है। तो ब्रेकफास्ट में पोहे खाने के बाद मैं कर रहा था व्लॉग एडिट, लेटे लेटे मैंने एक आधा व्लॉग एडिट किया है थोड़ा बहुत। और आजकल थोड़ा ये दिक्कत है कि मैं कुछ कुछ जगह पर वॉइस ओवर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा क्या ना, मेरा व्लॉग उतना अच्छा नहीं बन रहा है आजकल। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद अपन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाएंगे। जैसे जैसे एडिटिंग में देखते जाता हूँ, मेरे को समझ में आता है कि और क्या चीज़ करनी चाहिए, तो वो इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम मेरे को दिखता है। मेरे अगर आप पुराने ब्लॉग्स उठा के देखो और अभी के ब्लॉग्स देखो तो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब इंप्रूवमेंट है, और आगे भी इंप्रूवमेंट रहेगा। अभी लंच का टाइम हो गया, चलते हैं देखते हैं लंच में क्या बनाए। तो लंच में आज रोजी आंटी ने बनाया है राजस्थानी स्पेशल दाल द बाटी। हम ढेर सारा खाती, थोड़ी देर पक्का सोने के वास्ते जाती, क्योंकि इसको खाने के बाद नींद जरूर आएगी ताऊ। तो लंच हो गया, दाल बाटी खा के मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छी और टेस्टी दाल बाटी बनी थी। तो 3 बाटी खा ली मैंने और मेरा पेट एकदम फूल गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो, बाहर निकल आया है थोड़ा सा। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ जाऊँ थोड़ा सा छाछ पी के आऊँ और फिर लंबा लेट होकर थोड़ी देर सो जाऊँ, उठने के बाद ब्लॉग वगैरह एडिट करना है, और कोई काम तो है नहीं आज दूसरा। क्या आपको राजस्थानी स्टाइल दाल बाटी पसंद है, कमेंट करके बताएं। आजकल मुझे बहुत पसंद है, जब खिला दो दाल बाटी खा सकते हैं भगवान से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैं नॉर्मली 2 दाल बाटी खाता हूँ, मतलब दाल के साथ 2 बाटी खाता था, आज मैंने 3 खा ली, मेरे को भूख भी लगी थी। और उसके बाद जो मैं सोया हूँ ऐसी नींद आई है तगड़ी, उठने के बाद बस एक बार एक काम के लिए उठा था और उठते साथ रील अपलोड की मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और फिर से लंबा लेट होकर सो गया था। एंड अभी डिनर का टाइम हो गया भाई साहब,
और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठ तो चुका था, लेकिन आधे घंटे से बेड पे करवटे ले रहा था क्योंकि मेरी बाटी पची नहीं थी पूरी तरह से, और बोतल भर के पानी गटकाया है मैंने पचाने के लिए बाटी। डिनर का टाइम भी हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले मैं सबके कमेंट्स के एंड डीएम्स के रिप्लाई कर रहा था इंस्टाग्राम दे, फेसबुक पे और दे यूट्यूब पे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं डिनर में क्या बना है, खाएंगे और फिर सीधा सोने के वास्ते आएंगे। दाल बाटी खा के जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने सोचा था कि उठने के बाद वॉक करने जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा वॉक पे जाने का रूटीन बनाया था मैंने पिछले 6-7 दिन 8 दिन जो भी गया, उसके बाद से 4-5 दिन से तो वो गैप में ही चल रहा है, मतलब भूल ही गया हूँ मैं कि वॉक पे भी जाना है। तो फिर से अपन उसको वापस रूटीन में लाएंगे, वॉक पे जाना चालू करेंगे, कल से देखता हूँ ये चीज़ शुरू करते हैं। आज लंच भी स्पेशल था और डिनर भी स्पेशल है। रोजी आंटी ने बनाया है मस्त पनीर चिल्ली और साथ में है मक्के की सब्जी। क्या आपने कभी मक्के की सब्जी खाई, कमेंट करके बताएं। और हाँ, पनीर चिल्ली बहुत टेस्टी बना है, मैं टेस्ट करके देख चुका हूँ। तो डिनर हो गया और अब टाइम है सोने का। आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया हूँ, पनीर की सब्जी दे क्या बोलते हैं वो थी मक्के की सब्जी और उसके साथ 5 रोटी खा ली शाम के, मतलब जब लंच किया था तब भी 3 बाटी खा ली थी। तो इतना ज़्यादा खा लिया हूँ कि अब फटेहाल नींद आने वाली है फिर से मेरे को। आजकल कुछ ज़्यादा ही आलसी और कोड़िया टाइप का हो गया हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस व्लॉग। कल के मिनी व्लॉग के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 180 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।